मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑर्डर प्लीज ये प्रोसीडिंग कंक्लूड हो लेने दें। मैं ऑनरेबल मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोसीडिंग कंप्लीट होने दें। रूल्स ये प्लीज बी सीटेड जी, प्लीज प्लीज मेंटेन द ऑर्डर जी, ये प्रोसीडिंग कंप्लीट होने दें, वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असेंबली पंजाब बाबत 1997 के रूल्स 10 और 9 के मुताबिक मलिक जहीर इकबाल रुकने सूबाई असेंबली पीपी 253 को बहसीयत डेप्टी स्पीकर मुंतखब करार दिया जाता है। अब मुंतखब डेप्टी स्पीकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 53 के ज़िम्न 2 और आर्टिकल 127 के तहत आइन के गोशवारा सोम में दर्ज डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली पंजाब के लिए मुकर्रर करदा हल्फनामा के मुताबिक ऐवान के सामने हल्फ उठाएंगे, लिहाजा वो हल्फ उठाने के लिए डाइस पर तशरीफ लें। इस वक्त आप पंजाब असेंबली से देख रहे हैं जहां पर डिप्टी इंतखाबात के बाद हो चुका है और इस वक्त डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल चुनाव मुकाबला जीत चुके हैं। 220 वोट उन्होंने हासिल किए हैं जबकि उनके मद मुकाबल सुन इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी थे जिन्होंने 103 वोट हासिल किए हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ये आज मरहला मुकम्मल हो गया है। इस वक्त डिप्टी स्पीकर अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। मैं मलिक जहीर इकबाल चनट सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि जब कभी मुझे बहसियत स्पीकर सूबाई असेंबली पंजाब डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली पंजाब और सूबा पंजाब काम करने के लिए कहा जाएगा मैं अपने फराइज़ औकार हाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम-ए-पाकिस्तान की बुनियाद है मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रगबत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन।